लिफाफा में उसी तरह मांग करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इलाहाबाद से लखनऊ जाने के लिए जो लिफाफा मऊ का एकमात्र पुल है जिसमें आप दोनों सांसदों ने और क्या कहा उन्होंने? देखिए, जल मार्ग को वाराणसी से इलाहाबाद तक बढ़ाने की हमने मांग रखी थी, सो भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है। मैं इलाहाबाद के लिए मैंने उनसे रिंग रोड मांगी, वो भी उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा, करेंगे। इसके अलावा एक पुल हंडिया से मेजा रोड के लिए सिरसा के पास एक जमुना का पुल वहाँ पर आवश्यक है, वो भी उन्होंने कहा कि इस पर भी मैं विचार कर लूँगा, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। गंगा इलाहाबाद से चित्रकूट वाली सड़क, इलाहाबाद से आपके रीवा वाली सड़क और इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर रोड और इलाहाबाद से कोराँव होकर के रामलगंज करने वाली एक सड़क जो रीवा को जोड़ेगी, उधर से रीवा को जोड़ेगी, तो ये वाली सड़क को भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। और गंगा में भी उन्होंने एक पुल दिया है जो इलाहाबाद ये लखनऊ रोड को कनेक्ट करेगी, और पहले तो छः लेन की योजना थी, लेकिन आज उन्होंने उसको कह दिया कि अब उसको मैं 8 लेन की सड़क बनवा दूँ गोरखपुर से। तो इस तरह से गोरखपुर को भी कनेक्ट कर रहे हैं वाया सुल्तानपुर, लखनऊ को रायबरेली तक जो कमी है उसको भी पूरी कर देंगे और इसको भी चौड़ी कर देंगे। इलाहाबाद को बहुत बड़ी सौगात मिली है जो आज तक देश की स्वतंत्रता के बाद किसी भी सरकारों ने नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नितिन गडकरी जी ने, माननीय हमारे